नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें, सेव वाटर। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी नदियां पूरे उफान पर हैं। बारिश की वजह से कालागढ़ डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। डैम पर बड़े जलस्तर के मद्देनजर रामगंगा नदी पर बने कालागढ़ डैम से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार बारिश से मुरादाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है और तापमान में भी लगभग 8 डिग्री की कमी आई है, किंतु इसी के साथ ही रामगंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। मुगलपुरा क्षेत्र के वारसी नगर में रामगंगा किनारे के घरों में पानी आने लगा है। उधर जामा मस्जिद पुल के पास रसूलपुर खेम की गली नंबर 1, 2 और 3 में रामगंगा नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आज सुबह से ही रामगंगा नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ रह रहे लोगों को रोजमर्रा के काम और घरेलू सामान को लाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थाना बिलारी पुलिस द्वारा गुरुवार को ग्राम सहजपुर सियोदारा रोड के जंगल में एक पुराने खंडहर में चल रही एक बड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। मौके से 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर बने अदबने 12 अवैध देसी तमंचे, 1 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान मौके से एक व्यक्ति फरार हो गया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह लोग अवैध तमंचे बनाकर 4 से 6 हजार तक की कीमत में बेचकर मुनाफा कमाते थे। चौडारा सहसपुर रोड के एक जंगलों में एक अवैध तमंचे की फैक्ट्री संचालित है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई और टीम के नेतृत्व में वहां पर दबिश डाली गई। दबिश के दौरान 2 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार हुए, जिनका नाम, एक का नाम था आसिम पुत्र भूरे, छोटे पुत्र सईद। ये दोनों वहां पर मौके पर मिले और इनके साथ करीब 13 तमंचे मिले वहां पर, जो जिसमें कुछ करीब 8 के करीब निर्मित थे और बाकी अर्ध निर्मित थे। उसके अलावा तवंचे निर्माण की जो भी सामग्री वहाँ पे जो रखते हैं ये फैक्ट्री के अंदर, वो सारी सामग्री बरामद हुई। और इन दोनों को जब गिरफ्तारी हुई तो इनसे पूछताछ में पता चला एक व्यक्ति बलवीर, वहाँ जब पुलिस की इनको भनक लगी तो वहाँ से वो फरार हो गया। ठाकुर द्वारा पुलिस द्वारा एक बड़े वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए इस गैंग के 3 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अभियुक्तों से पूछताछ में क्षेत्र में घटित कई वाहन चोरियों की घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद है। ठाकुर द्वारा में कल दिनांक 23 अगस्त 2023 को एक बाइक चोरी हुई थी, जिसमें जिनकी बाइक चोरी हुई थी उनका नाम सुमित चौहान है। उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया बाइक चोरी का और पुलिस द्वारा उनकी चोरी की बाइक की तलाशी की जा रही थी। इसके लिए जगह जगह चेकिंग की जा रही थी। आज चेकिंग के दौरान वो बाइक आती हुई दिखाई दी, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, जिनका नाम है, एक का नाम देवांश, एक का नाम है अमन और एक का नाम है गजेंद्र। ये तीनों बाइक पे सवार थे। तो पुलिस ने जब इनको आते हुए देखा तो इनको हाथ दिया और ये भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने इनको पकड़ लिया। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने कल बाइक चोरी की थी सुमित की, और इसमें जो व्यक्ति है इसमें देवांश है, जो हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है, उस पर पहले भी चोरी का मुकदमा दर्ज है बाइक चोरी का। उसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड की तलाशी की जा रही है। मंडल आयुक्त अंजित कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में विकास कार्यों को अत्यधिक गति देने के लिए समीक्षा, विचार विमर्श और मूल्यांकन किया गया। माता वैष्णो देवी दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IRCTC प्रत्येक गुरुवार को तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में आरक्षित बर्थ के साथ माता वैष्णो देवी रेल यात्रा पैकेज संचालित कर रहा है, जो कि 4 रात्रि एवं 5 दिनों का है। इस पैकेज में श्रद्धालुओं को तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में स्थायी रेल आरक्षण के साथ यात्रा के दौरान 3-स्टार होटल में 2 दिनों की ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त यात्रा की बुकिंग हेतु पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित IRCTC कार्यालय एवं IRCTC की वेबसाइट www.irctctourism.com से ऑनलाइन बुकिंग भी कराई जा सकती है। कैग रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा सड़क निर्माण से लेकर आयुष्मान योजना और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किए जा रहे निर्माण में भारी हेराफेरी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि CAG की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भाजपा की केंद्र सरकार में देश की जनता के पैसों का खुला भ्रष्टाचार हुआ है।
लेकिन मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात नहीं की जा रही है। अतः मोदी सरकार की इन महाघोटालों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच निर्देशित कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गुरुवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर गुरुवार को वोटर चेतन महाअभियान के तहत महानगर व जिला इकाई की संयुक्त कार्यशाला सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री व एमएससी सुभाष यदुवंश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता परीक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों का युक्तिकरण किया गया है, जिस पर हमारी ओर से आपत्तियां भी दर्ज कराई गई हैं। मतदान केंद्रों के साथ ही कई विधानसभा में बूथों की संख्या भी बढ़ी है। चुनाव आयोग द्वारा दो चरणों में पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में मतदाता सूची के सत्यापन में मतदाताओं के पंजीकरण एवं मतदाता सूची सुधार करने के लिए भाजपा द्वारा वोटर चेतना अभियान 1 सितंबर से 15 सितंबर तक चलाया जाएगा। जीआरपी मुरादाबाद पुलिस द्वारा 10,000 रुपए के इनामी और वांछित चल रहे अभियुक्त दीपक पुत्र रामस्वरूप निवासी भटोली थाना लंबुआ जनपद सुल्तानपुर हाल निवासी लखनपुर थाना बाजपुर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर दो अभियोगों का सफल अनावरण भी किया गया है। मझोला थाना क्षेत्र के मानसरोवर कॉलोनी में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बाइक सवार बदमाशों ने लेक्चरर धर्मवीर सिंह की पत्नी सावित्री देवी की चेन छीन ली। घटना के समय महिला अपनी पोती को स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश आए और महिला के गले पर चपट्टा मारकर चेन तोड़ दी। इसके बाद बाइक दौड़ाकर फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में कैद हो गई है। दोनों बदमाशों ने हेलमेट लगा रखे थे। सूचना के बाद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। भोजपुर पुलिस के उप निरीक्षक राजनाथ सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से नशे की 149 गोलियां बरामद की गई हैं। अभियुक्त की पहचान कोकीमिया पुत्र अफजाल निवासी मोहल्ला बगियावाला स्टेशन के पीछे थाना भोजपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।